तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बिहार की, इसके इतिहास की और कुछ महान बिहारियों के बारे में। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि आज का हमारा मॉडर्न बिहार किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे मिटाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले यह बात किया था कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, जिससे इसे इंटरनेशनल ट्रेड करने में बहुत ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन यह हो सकता है कि हमारे बिहार में जितने भी इंटरनेशनल डिमांड्स आते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए हमें नेशनल डिमांड पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल डिमांड्स को पूरी करेंगे तो हमें सीपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें सीपोर्ट को टैक्स पे करना होगा, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा हो सकता है। और वहीं अगर हम इन प्रोडक्ट्स को अपने नेशनल मार्केट में बेचेंगे तो हमें हमारे देश के साथ साथ हमारे राज्यों को भी फायदा होगा। और अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना भी है तो हमें उस राज्य के साथ जिसके पास एक सीपोर्ट हो और वो हमारे राज्य से सबसे नज़दीक हो, उसके साथ हमें एक समझौता तय करना चाहिए, जिसमें यह होगा कि हम एक सुपर फास्ट हाईवे बनाएंगे जो कि हमारे स्टेट को उस सीपोर्ट से कनेक्ट करता हो, जिससे कि हमारा टाइम और हमारा फ्यूल दोनों ही बचेगा। और उस टाइम और फ्यूल के बचने के कारण हमारे प्रोडक्ट में कॉस्ट डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट के थ्रू हमें और भी ज़्यादा फायदा होने लगेगा। और साथ ही साथ उस रोड के जस्ट बगल से हमें एक स्पेशल रेलवे ट्रैक भी बिल्ड करना चाहिए, जो कि एक बार में बहुत सारा गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। इससे हमारा फ्यूल और टाइम दोनों और भी ज़्यादा बचने लगेंगे। हमारी दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि बिहार हैज़ वेरी लेस लिटरेसी रेट, यानी कि बिहार की साक्षरता दर बहुत ही कम है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। हमें हर साल एक ईयरली टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए, जो कि हमारे सिलेबस से हट के स्किल और नॉलेज बेस्ड हो, और यह एग्जामिनेशन बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। और हमारे स्टेट में जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, उनमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा लगातार अनएक्सपेक्टेड इंस्पेक्शन किए जाने चाहिए, जिससे एजुकेशन क्वालिटी और फैसिलिटीज़ का पता चलता रहेगा। हमारे स्कूल में भी इंस्पेक्शन हुआ करते थे, जो कि 6 दिन 7 दिन पहले ही टीचर और प्रिंसिपल को पता चल जाते थे, और 6 दिन 7 दिन में स्कूल का पूरा ढांचा ही बदल दिया जाता था, जिससे लगता था कि हाँ, एक दिन के लिए भी स्कूल चला है। और मेरा अपना यह राय होगा कि टीचर्स के जॉब को परमानेंट ना रखा जाए, जब तक उनके स्किल्स और उनके नॉलेज जब तक अच्छे हैं तभी तक उनको जॉब में रखा जाए। क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि उन्हें रट्टा मार मार के सरकारी जॉब लेने की आदत हो जाती है, और परमानेंट जॉब होने के कारण ना उनमें स्किल बचता है और वो बहुत ही लेजी होने लगते हैं। और यही चीज़ आगे 30-40 बच्चों में एक टीचर के द्वारा शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि हमारे एजुकेशन और हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 3 पे हमने यह प्रॉब्लम देखा था कि हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ बिहारी मदर, यानी कि एक बिहारी मदर औसतन भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। इसका सॉल्यूशन यह हो सकता है कि गवर्नमेंट शुड मेक अ एजुकेशनल इन्वायरमेंट एंड अवेयर प्रोग्राम फॉर द बिहारी मदर्स। हमारे स्टेट में इस तरह के प्रोग्राम हमेशा चलाए जाते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम को जिस पीरियड ऑफ टाइम जिस स्पीड से वर्क करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। और इस अवेयरनेस प्रोग्राम को सही तरीके से सही डायरेक्शन देने के लिए एक स्पेशल हाईली क्वालिफाइड टीम बनानी चाहिए, जो कि रेगुलर इस अवेयरनेस प्रोग्राम पर नज़र रखे और इसके स्पीड को अकॉर्डिंग टू नीड रेगुलेट कर सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट को यह भी रूल बनाना चाहिए कि एक लिमिट से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर फाइन के साथ साथ पनिशमेंट भी दी जाए, और जो भी पेरेंट्स एक लिमिट से ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं उनको जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उनको कट ऑफ कर देना चाहिए, जिनमें कि ट्विंस और थ्राइस वाले केसेस को एक्सेप्शन में रखा जाए। कल जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो आई वॉज शॉक, एक अफ्रीकन अमेरिकन मदर ने एक साथ 9 बच्चे को जन्म दिया। तो इस तरह केसेस को एक्सेप्शन में रखा जा सकता है, क्योंकि ये सब नेचुरल होता है, इस पे पेरेंट्स का बस नहीं होता है। एक फैमिली में बहुत सारे बेबीज होने के कारण उस फैमिली को बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और आगे जाके यही प्रॉब्लम एक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याओं को जन्म देता है। नंबर 4 पर हमने बात किया था इम्पोर्ट इज 5 टाइम ग्रेटर देन एक्सपोर्ट,
जो कि हमारे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा वीक करता है। इसके भी कई सारे सॉल्यूशन हैं, जैसे कि हम उन चीज़ों पे टैक्स को बढ़ा सकते हैं जो कि बिहार में बनता हो और साथ ही साथ बाहर से इंपोर्ट भी किया जाता हो, और उन टैक्स इंक्रीजमेंट के कारण जो प्रोडक्ट बिहार में आने बंद होंगे उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम एक अलग से इंडस्ट्री भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारे एम्प्लॉयमेंट में भी काम आएगा। और इसके साथ हमें यह भी ट्राई करना चाहिए कि हमारे बनाए गए प्रोडक्ट्स जो कि बाहर जाते हैं उनके मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा फैले। और इसके साथ साथ हमें अपने लोगों को इस बात से भी अवेयर कराना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स हम खुद अपने स्टेट में प्रोड्यूस करते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, ताकि जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे अपने स्टेट में बने हुए प्रोडक्ट को, उतना ही हमारे स्टेट का पैसा हमारे स्टेट में ही रह जाएगा, और इन्हीं सब कारणों से हम अपने कल्चर को बनाने में भी सक्सेस हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से समझे तो कॉस्मेटिक्स करते क्या हैं कि मतलब लोगों के अंदर एक भावना डालते हैं कि गोरी लड़कियां ज़्यादा अच्छी होती हैं मुकाबले के काली लड़कियों की। हमारा देश एक सांवला देश माना जाता है क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग सांवले हैं, और ये MNCs इसी बात का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। ये वही कॉस्मेटिक्स को एक्सपोर्ट करते हैं जो कि हमारे कल्चर को बिल्डअप ना होने दे, और इन कॉस्मेटिक्स का हम कम से कम यूज़ करके अपने कल्चर को बचा सकते हैं। नंबर 5 पे हमने बात की थी कि बिहार के पास बहुत ही मेहनती लोग हैं लेकिन स्किल्ड लोग उतने ही कम हैं। इसके 2 मेजर कारण हैं, एक तो एजुकेशनल बैकग्राउंड ना होने का और दूसरा फाइनेंशियल कंडीशन, जो कि एक अच्छा एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन देके ख़त्म किया जा सकता है। और साथ ही साथ बिहार सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जितने भी फ्री स्कूल हैं उनमें एक प्राइवेट स्कूल जैसा कंपटीशन लाया जाए जिससे उन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जॉब कर पाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को एक बहुत ही एडवांस लेवल की साइड वर्क के लिए स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे कि कारपेंट्री, मैकेनिक, स्किल वर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग ETC, विच विल बी एबल टू मेक अ स्टूडेंट अ अर्निंग मेंबर फॉर इट्स फैमिली एज वेल एज अ गुड स्टूडेंट। नंबर 6 पे हमने बात किया था कि बिहार हैज़ वेरी लेस इंडस्ट्री, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट और वीक इकोनॉमिक को बढ़ावा देता है। इसको टैकल करने के लिए भी बहुत सारे वेज हैं, जैसे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा SEZ बना सकते हैं। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि एक इंडस्ट्री के सेटअप के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जहाँ की इंडस्ट्री को जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो सारे प्रोवाइडेड होती हैं। बिहार की ज़मीन पंजाब से 3 गुनी ज़्यादा फर्टाइल है, जो कि एग्रो बेस्ड कंपनीज़ के लिए एक रॉ मटेरियल हब बन सकती है, जो कि किसानों के साथ साथ इंडस्ट्री में आने वाले वर्कर्स के लिए भी एक अच्छी रेवेन्यू का सोर्स बन सकता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें फूड इंडस्ट्री, नेचुरल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक मैन्योर इंडस्ट्री और भी बहुत ऐसे सारे इंडस्ट्री शामिल हो सकते हैं, और ये सब इंडस्ट्रीज काफ़ी होंगे जो कि बिहार के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। अगर एक एग्जांपल से समझे तो लेज एक बहुत ही जानी मानी चिप्स की कंपनी है, और इसके सारे ही इंग्रेडिएंट्स बिहार में अवेलेबल हैं। अगर बिहार में ऐसी ही इंडस्ट्रीज खोली जाएँ और अपने नेशनल मार्केट में लेज को कम्पटीट किया जाए तो बहुत ही आसानी से हम लोग लेज को पीछे छोड़ सकते हैं, और रॉ मटेरियल और मार्केट के पास में होने से हमारे प्रोडक्ट का दाम भी कम होगा, जो कि एक कॉस्टली प्रोडक्ट को आराम से हरा सकते हैं और मार्केट पे अपना कब्जा जमा सकते हैं। नंबर 7 पे हमने बात की थी कास्ट पॉलिटिक्स की। कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ही छोटे एरिया में किया जाता है, जैसे कि गांव, जिला या प्रखंड। ये एक बहुत ही बड़े एरिया में नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ही बड़े एरिया में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो इसको टैकल करने के लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि एक मिनिस्टर के लिए हम एक हायर एजुकेशन लेवल सेट कर सकते हैं, ताकि जो आदमी उस हायर एजुकेशन को टच कर चुका हो वही आदमी हमारा लीडर बन सकता है, क्योंकि जो आदमी अगर खुद का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है वो उसके कंधों पे बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी होगी और उन लोगों का भी वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा।
इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तरह हम लोग नेताओं के लिए भी एक ट्रांसफ़र सिस्टम रख सकते हैं। अगर कोई भी नेता अपने एरिया में अच्छा काम ना कर रहा हो तो वहाँ के लोग ये एबल हो सकें कि वो उस नेता का ट्रांसफ़र करवा सकें किसी और एरिया में और अपने लिए एक बेटर ऑप्शन ढूंढ सकें। इसके साथ साथ किसी भी नेता को कभी भी होम कार्डर ना दिया जाए, क्योंकि होम कार्डर होने के कारण वो नेता करप्शन के चांसेस को बढ़ा देता है। और इसमें कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि अगर कोई नेता अपने होम कार्डर का नहीं होगा तो वहाँ की तकलीफ़ों को कैसे समझेगा। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, जो कि वहाँ के कुछ लोकल्स को अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि वहाँ के प्रॉब्लम्स को वहाँ जो नेता है उसको बता सकें। उस नेता को वो अगर बताएगा तो वो नेता उसी पे काम करेगा। और इसके साथ साथ गांव के लोग भी उस नेता पे एक मेंटल प्रेशर बनाने का काम कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। नंबर 8 पे हमने बात किया था लेस रिस्पेक्ट टू फार्मर एंड वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्पलेस एंड इकोनॉमिकली वीक पीपल। इस प्रॉब्लम को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम अपने देश के फार्मर को अमेरिका के फार्मर से कंपेयर करें तो पता चलता है कि उनके टेक्नोलॉजी हमारे फार्मर्स के टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, जो कि उन्हें एक लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का मौका देता है। और लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होना अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण किसी भी प्रोडक्ट का दाम अपने आप कम हो जाता है, जो कि हमारे किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्टी के रूप में मिलती है। और इसीलिए हमारे किसान इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकन किसानों को नहीं फेस कर पाते हैं। और साथ ही साथ अमेरिकन गवर्नमेंट उन किसानों को 80-90% सब्सिडी देती है उनके खरीदे हुए फर्टिलाइजर्स पे, जो कि इंडियन किसान को 10-20% मिलती है। और उसमें भी यह फैसिलिटी बहुत ही कम किसानों के पास अवेलेबल होती है। इसको ख़त्म करने के साथ साथ हमें किसानों और गवर्नमेंट के बीच में जो भी ब्रोकर होते हैं उनको भी हटाना चाहिए, ताकि किसान डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को गवर्नमेंट तक बेच सके, जिससे कि गवर्नमेंट के साथ साथ किसानों को भी फायदा होगा। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, मगर कुछ करप्ट नेता और सिविल सर्वेंट के कारण हम तक वो पहुँच नहीं पाते हैं। और जनता के जवाब ना मांगने के कारण भी नेता और कुछ भ्रष्टाचार लोग हमारे इस हक का पैसा को भी उड़ा लेते हैं। जनता को भी इसका जवाब सरकार से मांगना चाहिए, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है और डेमोक्रेटिक कंट्री में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 9 पे हमने एक बहुत ही बड़ी इशू को रखा था, जो कि है मेल डोमिनेंस स्टेट। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ट्रीट अ गर्ल और अ वुमेन इक्वल टू द मैन। इसके भी कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि जिस एरिया में गर्ल्स लिटरेसी रेट एकदम ना के बराबर हो उस एरिया में हम लोग एक सेपरेट गर्ल्स स्कूल बना सकते हैं, तब तक के लिए जब तक के गर्ल्स और मेंस लिटरेसी रेट इक्वल ना हो जाए। इसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि जहां गर्ल्स का लिटरेसी रेट बिल्कुल कम हो और जहां सेपरेट गर्ल्स के लिए स्कूल बनाए गए हों, वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट पे से जितने भी बॉयज़ हैं उनको रिप्लेस करके गर्ल्स में कर देना चाहिए, जो कि एक गांव के लोगों के लिए मेंटालिटी चेंज का काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर उस गांव के किसी भी आदमी को कोई भी गवर्नमेंटल काम होगा तो वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास ही जाएंगे, जहां पे वो एक लड़का ना होके लड़की को देखेंगे उनके मन के अंदर भी एक मेंटालिटी चेंज आएगा। और इसके कारण वहाँ के लोग अपने बेटियों को पढ़ाने में और भी ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। नंबर 10 पे हमने बात किया था स्लो रेट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। इस प्रॉब्लम के भी कई सारे सॉल्यूशन हैं, जैसे कि हम लोग अपने स्कूल्स में एक प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत ही लंबा चेन स्टार्ट कर सकते हैं और उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करवा सकते हैं बच्चों को, जिनसे एक इनोवेशन मेंटेलिटी इंक्रीज होता हो। और इसके साथ साथ बच्चों को उनके ही फील्ड में काम करने देना चाहिए जिसमें वो एक्सपर्ट हों, जिनमें उनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगता हो। इस काम में हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जो कि एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर का काम कर सकती है, जैसे कि अगर वो रोमांटिक एक्शन और ड्रामा जैसी फिल्मों पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए साइंस रिलेटेड साइंस फिक्शन मूवीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही वो करना चाहते हैं और साइंस फिक्शन मूवीज़ के होने के कारण बच्चों का इंटरेस्ट उसके तरफ खींचा चला आएगा। और हमारी स्टेट गवर्नमेंट को
एक बहुत ही बड़े लेवल पे इनोवेशन कंपटीशन को लॉन्च करना चाहिए, जिसमें 1000 ऑफ स्कूल से 1000 ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकें, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा और साथ ही साथ बहुत सारे इनोवेशन जो कि बच्चे करेंगे उनको बाहर आने का मौका भी मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे स्कूल्स में भी डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल और एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर देना चाहिए, वो भी कंपलसरी तौर पे, जिससे कि वो फील्ड वर्कर और बुक्स दोनों के रेगुलर कांटेक्ट में होने के कारण अपने फ्यूचर में एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि इन सब सॉल्यूशंस में से आप भी किसी एक पे बहुत ज़्यादा वर्क करें और एक्सपर्टीज हासिल करें, ताकि आप भी बिहार के डेवलपमेंट में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकें। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।